जेजेपी का किस तरीके से सहयोग कर रहा है, तमाम लोग यहाँ पर हैं, जो लोहा गर्म है और आखिरी चोट मारने की जरूरी थी। और अगले दो दिन आदमपुर के अंदर गठबंधन अपनी ताकत को और बढ़ाएगा और मार्जिन जो जीत का है उसको और आगे ले जाने का काम करेगा। मैं तो एक चीज बोल सकता हूँ कि आदमपुर की जनता ने देखा है कि विकास कब कब हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, और उस विचार के साथ आदमपुर की जनता अपना सहयोग और समर्थन करने का काम करेगी। कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं चुनाव में, क्योंकि कहना कि वो तो हालांकि जीत का दावा कर रहे हैं, कड़े मुकाबला है। तो कांग्रेस थकी हुई है, मरी हुई है, और आज मौका है पूरी तौर पर मारने का, और आदमपुर की जनता उस फैसले को अपनाएगी। कांग्रेस के अन्य नेता अभी तक मैदान में नहीं, इसलिए तो मैंने कहा है वो भारत जोड़ो यात्रा जो लोग कर रहे हैं वो पार्टी जोड़ो यात्रा तो कर ले। सुरजेवाला जी कहा है, किरण चौधरी जी कहा है, कुमारी सैलजा कहा है, आज तो कांग्रेस बाबू बेटों की पार्टी बन के रहेगी। और आज उन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि जो निर्णय कुलदीप जी ने लिया था वो निर्णय हरियाणा की और आदमपुर की प्रगति का। कुछ इसी तरीके के 5,000 में दोनों सर, कुछ इसी तरीके के आरोप कांग्रेस के भी थे कि गठबंधन के सहयोगी कहाँ है। आपके सामने हो, आज से पहले की बातें हैं, आज से पहले चुनाव में मात्र दो दिन बचे हैं और उसके बाद सिंह जी, राजेंद्र लेतानी जी, अनूप जी, बबली जी, सारे साथी अलग अलग जिन जिन की जिम्मेवारी लगी वो यहाँ रहे। सवाल अगर दुष्यंत का आना आप पूछ रहे हो तो मैं तो इलाहाबाद भी दो दिन पहले ही गया था और बड़ौदा भी दो दिन पहले ही गया था, और आपने खुद नतीजे देखे। जहाँ जिम्मेवारी मेरी लगती है उसको मैं पूरा निभाता भी हूँ, और ये विश्वास दिला देता हूँ आज आप कि हमारा जो मार्जिन है रिकॉर्ड तौर मार्जिन आदमपुर में बनेगा। सर, तीन उपचुनाव हुए, जेजेपी सहयोगी है उनमें, उनको मौका नहीं दिया गया, हालांकि उनके पास कैंडिडेट नहीं थे, कैंडिडेट कहीं और से उठाने पड़े, क्यों? जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर तीनों इलेक्शन में ये निर्णय लिया, दोनों सीटों के अंदर जहाँ उपचुनाव पहले हुआ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से जेजेपी के कैंडिडेट से ज़्यादा वोट आए। और इस बार क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी खुद रिजाइन करके इस सीट पर आए हैं, तो हमने ये निर्णय पहले ही ले लिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनके परिवार का कोई भी कैंडिडेट बने उसका हम साथ। मुआवजा बड़ा मुद्दा है सर, हरियाणा में हिसार एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा इश्यूज रहे हैं, पीठ थपथपाई गई आज यहाँ पर भी कि मुआवजा दे दिया गया, 30 करोड़ का घोषणा हुई, ये 2020 का है सर, चुनाव आने पर ही जारी हुआ। मैं आप पहले क्यों बताता हूँ कि तीन कमेटियाँ तीनों SDM के नेतृत्व में बनाई गई, उनकी अलग अलग रिपोर्ट है, जिसके अंदर खेड़ी चोपटा की जो कमेटी थी उसके लिए स्पेशल कॉम्पनसेशन 6,500 रुपये प्रति एक एकड़, और जहां आदमपुर और बालसमंद की बात यहां पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया। और केवल मात्र दो ही नहीं, क्योंकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वेरिफिकेशन प्रोसेस को इंटरलिंक किया, उस कारण पूरे हरियाणा का 672 करोड़ रुपया पेंडिंग था, आदमपुर ही नहीं पूरे हरियाणा का 672 करोड़ रुपए एक दिन में हमने रिलीज करने का काम किया, जो अलग अलग ट्रेजरी में है, और जैसे जैसे पंचायत के दौर खत्म होते रहेंगे मुआवजे का पैसा ट्रांसफर। एक दिल्ली का बता दो, आज वित्त मंत्री से मीटिंग है, वो किस लिए है? एक कमेटी GST की बनाई गई थी जिसके अंदर मैं कन्वीनर था, मान्य वित्त मंत्री ने उस कमेटी की प्रेजेंटेशन जो GST को होनी उसके लिए आज समय दिया है, हम अपनी रिपोर्ट जो 6 अलग अलग स्टेट्स के GST मेंबर्स की थी उसको आज सबमिट करेंगे कि आगे GST काउंसिल की बैठक उसको टेकअप किया जाए, और टेकअप कर पूरे देश में वो सुझाव जो ट्रिब्यूनल्स बनाने का है उसको लागू। दुष्यंत जी कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सर इस बाई इलेक्शन का? अभी तो पहले इसको तो जीते, उससे पहले लोकसभा भी आएंगे, फिर 24 का विधानसभा आएगा। अभी तो 2 साल पहले की प्लानिंग आज क्यों पूछो? दुष्यंत जी, आपने भव्य बिश्नोई को लेकर के वोटों की अपील की है, लेकिन अलग अलग गांव में हम जाते हैं पता होता है कि ये फला पार्टी के कार्यकर्ता हैं, साथ के साथ भी दिखाई देते हैं,
उनमें से बहुत सारे लोगों का जो मन टकराने की बात होती है, सवाल पूरा कर, आप मेरे को नंबर दे दो, उनको मैं समझा दूंगा।